हाय गाइस, वेलकम बैक गाइस। सो अभी देखेंगे कडुवा ऑफिशियल टीज़र 2। पृथ्वीराज सुकुमारन कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से महीने हो गए इसका ऑफिशियल टीज़र। नहीं, 4-5-6 महीना पहले आया था इसका टीज़र 1 एक्चुअली। सो गाइस चलिए देख लेते हैं, अभी आया है, जस्ट लॉन्च्ड, तो क्या खास है। നാട്ടിലേക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, കടുവാക്കുണ്ണേ കുറുവച്ച. कुछ ही दिन पहले जनगण मन देखा है मैंने, और अभी जो देखा मतलब उसमें एक सॉफ्ट सा उनका एक्टिंग था, और यहाँ पर तो बहुत ही हार्ड एक्टिंग है इनकी। एंड साथ में जेक्स बजाय का बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक, और लास्ट में जो दिखाया ना ऐसे हाथ को झटका, और उसके साथ जो टाइगर का जो रोर आया, दोनों का जो टाइमिंग है, और देखने में जैसा लगा ऐसा लग रहा है कि एक सॉलिड एक्शन हीरो का रोल इसमें प्ले कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर टाइगर को दिखाते और उसके ऊपर पृथ्वीराज सुकुमारन का फेस बिठाते तो भी बिल्कुल ऐसा ही लगता। नहीं, एक चीज, आजकल जितना मलयालम मूवी आ रहा है, हर एक मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत खास आ रहा है, एक देखने वाला चीज, एक के बाद एक बैक टू बैक। सो गाइस देखते हैं फाइनल ट्रेलर आएगा कैसा होता है मूवी, एंड मूवी तो हम लोगों को नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम पे देखना पड़ेगा। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन आईपीएस ऑफिसर है मेरे ख्याल से, वो तो लास्ट में मालूम चलेगा एक्चुअली, दैट विल बी सरप्राइजिंग फैक्ट इन दिस मूवी। वरना पुलिस को कैसे पीटते इतने आराम से, इतने सामना सामने। नो, वो भी थ्रिलर टाइप का रहेगा इसमें, मतलब कुछ टर्न एंड ट्विस्ट जरूर है। और पहले जो टीजर में देखा है, नहीं नया बच्चा आया है इलाके में, एंड पुलिस को गुड शॉट, दैट इज वो। हाँ, मैं ये भी कहना चाह रही थी कि उस जगह पे उनका जो रियल वॉइस सुनाई दिया ना, दैट वाज ब्रिलियंट। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।